हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑटोमेटिक फायर सिलेंडर। शायद आप में से काफ़ी लोग इसके बारे में ना जानते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप लोग मुझे काफ़ी लव और सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी के कारण हमारे चैनल पर 50K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, यानी 50,000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। तो आई थिंक कि हमारी कम्युनिटी काफ़ी आगे जाएगी अभी और काफ़ी आगे जा रही है। मैं पहले ये नहीं सोचा करता था कि इतने लोग हमसे जुड़ पाएंगे, लेकिन अभी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारी जो कम्युनिटी है सेफ्टी की, वो काफ़ी आगे जा रही है। इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं नॉलेज। तो आई होप कि आप आगे भी गेन करते रहेंगे नॉलेज और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू। हम 4 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला होगा व्हाट इज ऑटोमेटिक फायर सिलेंडर, और सेकेंड होगा इट्स बॉडी पार्ट। इसके बॉडी पार्ट के बारे में जानेंगे क्या क्या होता है, और जानेंगे ये कैसे काम करता है, कैसे इसे ऑपरेट करते हैं, और जानेंगे इसका वर्किंग प्रेशर और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम ऑटोमेटिक फायर सिलेंडर है क्या। तो ये एक ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। ABC कहने का मतलब ये मल्टीपर्पस है, यानी किसी भी आग पे इसे हम यूज़ कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, यानी हमें इसे खुद से ऑपरेट नहीं करना होता है। जहाँ भी अगर फायर लगता है तो ये हीट को सेंस करता है और ख़ुद ब खुद ऑपरेट हो जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है कि हमें इसे ऑपरेट नहीं करना पड़ता है। जहाँ भी आग लगता है ये खुद सेंस करता है और ऑपरेट हो जाता है। तो अब हम जानेंगे इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है हुक। ये आप हुक देख पा रहे हैं, इसे हम यूज़ करते हैं कहीं भी हैंग करने के लिए, यानी लटकाने के लिए। जहाँ भी हमें वॉल पर इसे हैंग करना है, इसके मदद से हम हैंग कर सकते हैं। और सेकेंड है इसका सिलेंडर बॉडी पार्ट, जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर DCP होता है, ड्राई केमिकल पाउडर। यहाँ पे कुछ आप और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फोम हो गया, CO2 हो गया, जो भी हमारा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो यूज़ कर सकते हैं आप। और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होता है, इसे प्रेशराइज करने के लिए, जो कि इसे बाहर निकलने में हेल्प करता है। और यहाँ पर एक प्रेशर गेज होता है, जो कि हमें दिखाता है कितने प्रेशर पर वर्क कर रहा है और अभी इसके अंदर कितना प्रेशर है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्प्रिंकलर हेड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बटन में लगा हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है अपने वीडियोस में, स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में, स्प्रिंकलर हेड के बारे में। तो आप जाके देख सकते हैं पीछे के वीडियो लिस्ट में। तो अब जानेंगे स्प्रिंकलर हेड क्या है। इसी के हेल्प से जो भी हमारा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो बाहर आता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है हम जान लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, यह है स्प्रिंकलर हेड, जो कि यहाँ नीचे में लगा हुआ है। और इसके अंदर होता है कि स्प्रिंकलर बल्ब, जो कि आप देख पा रहे हैं रेड कलर का, यहाँ पे छोटा सा। इसके अंदर में कुछ लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि मरकरी होता है, अल्कोहल होता है। और ये क्या करते हैं, ये हीट को सेंस करते हैं। जहाँ भी आग लगता है, टेम्परेचर राइज करता है, तो ये हीट को सेंस करते हैं और ये एक्सपेंड करता है, यानी फैलता है। जो भी लिक्विड है इसके अंदर वो फैलता है गर्मी से। तो क्या होता है, जब फैलता है तो ये ब्रस्ट कर जाता है, और जब ब्रस्ट करके ये टूटता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक कैप लगा हुआ है। ये कैप ओपन हो जाता है और जो भी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया इसके अंदर DCP, CO2 जो भी है वो बाहर आ जाता है। तो चलिए बात करते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, एक बार मैं और समराइज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए, जो स्प्रिंकलर हेड है, अगर कहीं भी मान लो आपके रूम में आग लगा और आपने ये इंस्टॉल किया हुआ है, तो क्या होगा, आपके रूम का टेम्परेचर राइज होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आग लगा हुआ है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जो हमारा स्प्रिंकलर हेड में स्प्रिंकलर बल्ब लगा हुआ है वो इसे सेंस करेगा, और इसके अंदर जो लिक्विड है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, मरकरी हो गया, वो एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, ये जो बल्ब है वो ब्रस्ट हो जाएगा और कैप इसका ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये कैप ओपन होगा तो सिलेंडर के अंदर जो भी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा फायर ये कैसे काम करता है, ये और क्लियर होने के लिए आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये आप वीडियो देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्किंग प्रेशर क्या होता है, ये कितने कैपेसिटी में अवेलेबल हैं, इनमें प्रोपेलेंट यानी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट कौन है, मीडिया कौन है, वर्किंग प्रेशर कितना होता है, कितने एरिया को ये प्रोटेक्ट करेगा, और कितने हाइट पे हमें इंस्टॉल करना है ताकि ये सेफ रहे, ऑपरेशन टाइम कितना है, और एक्सटिंग्विशिंग एजेंट क्या है, इन सब पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, 4 डिफरेंट कैपेसिटी में अवेलेबल होता है।
2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg। तो ये चार ऐसे हैं जिनमें कैपेसिटी है 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg। तो ये अलग अलग कैपेसिटी में आप इसे ले सकते हैं। और जो इसमें प्रोपेलेंट होता है यानी जो हेल्प करता है एक्सटिंग्विशिंग मीडिया को बाहर आने में, वो यूज होता है नाइट्रोजन। सभी में लगभग नाइट्रोजन यूज होता है चारों में। और इनके वर्किंग प्रेशर अलग अलग होते हैं, साइज़ पे डिपेंड करते हैं। तो जो 2 kg का होता है उसमें 7 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है प्रेशर, और जो 15 kg का होता है 13 से लेकर 15 तक kg सेंटीमीटर। ये PDF आप अपने स्टडी के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं एरिया प्रोटेक्शन यानी कितने एरिया को ये प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम 2 kg का यूज़ कर रहे हैं तो ये 1 to 1.5 meter square एरिया को प्रोटेक्ट करेगा, यानी इतने दूर जितने भी फायर होंगे उसको एक्सटिंग्यूश कर देगा। और अगर 5 kg का है तो 3.5 से 4 meter square तक ये एक्सटिंग्यूश करेगा। और वही अगर 15 kg का हम यूज़ करते हैं तो 8 to 10 meter square एरिया को ये एक्सटिंग्यूश कर सकता है। अब देखते हैं हम कितने अबव इसे इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हमें कोई रिस्क ना हो। तो अगर आपके पास 2 kg का है तो आप 1.5 meter अबव इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपके पास 15 kg का है तो आप 3 meter अबव इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि तो आप जानेंगे इसका ऑपरेशन टाइम यानी ये कितने देर तक ऑपरेट होता रहेगा, यानी इसके अंदर जो भी एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया है ये कितने देर में बाहर आ जाएगा। तो अगर आप 2 kg का यूज़ करते हैं तो ये 8 से 10 सेकेंड तक काम करेगा, यानी 8 से 10 सेकेंड में सारा एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया बाहर आ जाएगा। और वही अगर आप 15 kg का यूज़ करते हैं तो 18 to 23 seconds तक ये एक्सटिंग्यूश करता रहेगा। अब बात करते हैं एक्सटिंग्यूशिंग एजेंट, इसके अंदर कौन से मीडिया होते हैं। तो मेनली तो इसमें DCP होते हैं क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्यूशिंग है। और इसमें आप CO2 और फोम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में ज़्यादातर ये DCP में आता है, CO2 और फोम में कम आता है। अब बात करते हैं सबसे फाइनल की जो भी इसमें स्प्रिंकलर बल्ब होता है वो कितने टेम्परेचर पर ऑपरेट हो जाएगा, यानी कितने टेम्परेचर पर ब्रस्ट हो जाएगा। तो यह है 57 degrees centigrade। तो अब फाइनली जान लेते हैं कि जो स्प्रिंकलर हेड होता है और उसमें जो बल्ब लगा होता है वो कितने टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो इसके लिए आपका जो भी टेम्परेचर होगा वो 57 degrees होगा, यानी अगर कहीं भी फायर लगा और आपका टेम्परेचर जो रूम का है या जो भी जहाँ भी आग लगा हुआ है अगर 57 degrees तक जाता है या उससे ऊपर जाता है तो स्प्रिंकलर हेड ब्रस्ट करेगा और आपका ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था इसके बारे में डिटेल्स। आई थिंक कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको ये जानकारी इंपॉर्टेंट लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूं वो सबसे पहले आप देख पाएं। Okay.